विकसित भारत संकल्प यात्रा के व्यापक प्रचार प्रसार तथा जन जन को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर बांधवगढ़ विधानसभा के विधायक शिव नारायण सिंह गांव गांव पहुंच रहे हैं, जहां पर केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं को भी लोगों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें उनका हक दिलाए जाने की कवायद जारी है। बांधवगढ़ के विधायक शिव नारायण सिंह जहां एक ओर योजनाओं का लाभ देने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं, तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा में जहां बहनों को लाडली योजना के प्रमाण पत्र, संबल योजना के कार्ड एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए आयुष्मान कार्ड व उज्ज्वला योजना के तहत कई महिलाओं के नए फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। इन्हीं सब योजनाओं की जानकारी देते हुए उमरिया जिले के भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं एडवोकेट शंभुलाल कटर ने केंद्र की योजनाओं की जानकारी देते हुए आम जन को संबोधित किया। उमरिया से संवाददाता राजा तिवारी की खास रिपोर्ट। यात्रा अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सके, अभी इस ग्राम पंचायत में फिर कुछ काम करने की आवश्यकता है। आप सभी को बहुत प्यारी बहनों, भाई और बहनों, सरकार की बहुत ऊर्जा थी। अभी हमारे राजा भैया कह रहे थे क्या कि सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी आपके पास आने की, तो ये सरकार ने ये सोचा कि सरकार हमने योजनाएं तो बहुत दी, तो क्या उनका लाभ आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आपको अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गल्ला प्राप्त, हर महीने जो है निःशुल्क गल्ला प्राप्त हो रहा है, लाडली बहना योजना के अंतर्गत आपको 1250 रुपए प्राप्त हो रहा है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है, और जो हमारी लाडली बहने हैं उनको भी गैस सिलेंडर मिलने की पात्रता है, उनका नाम भी दर्ज हो चुका है। कुछ दिनों में उन हमारी लाडली बहनों को भी गैस सिलेंडर जो है वो 450 रुपए में मिलेगा, उनको निःशुल्क रूप से आवास की सुविधा भी मिलेगी। जिस प्रकार प्रधानमंत्री आवास सुविधा मिलती है, उसी प्रकार हमारी लाडली बहनों को उनका नाम दर्ज हो चुका है, उनको जो है निःशुल्क रूप से आवास योजना का लाभ भी मिलेगा। तो इस सरकार की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आयुष योजना जो 5 लाख रुपए तक मुफ्त आपको दवाइयां मिलती हैं, उस योजना का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आपको पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है, जो विकलांग हमारे भाई हैं उनको पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है, ये जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस बात का पता लगाना है। और आपको क्या करना है, आप बैठ के यहाँ गप लगाने के लिए नहीं, जो हमारे सरकारी कर्मचारी पहले आपको मालूम है कि पहले चलती थी एक योजना है सरकार आपके द्वार, ये वही योजना है सरकार आपके द्वार, ये कर्मचारी अधिकारी जो ऑफिस में बैठ के आपका काम कर रहे करते थे आज आपके पास आए हैं और आपसे ये पूछने के लिए कि आपका बहन जी क्या काम है, अगर आपका कोई काम नहीं हुआ है तो इनके माध्यम से आप अपना काम करवा सकते हैं। ये सोच हमारी जो बहनें हैं, हमारी माताएं सबसे बड़ी संख्या में यहां पर हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। एक समय रहा जब यह होत रहा घर में अगर बिटिया पैदा हो जाए तो मने टेंशन में आ जाता रहा कि हमार बिटिया पैदा भई है अब न जाने का होई, कहे अम्मा बहन जी होत रहा ना, पर हमार सरकार यह चीज की योजना बनाई कि बिटिया अगर पैदा हो तो अकेलाने रोमे करना पड़े, ओके पैदा होने से लई के ओकर काज ब्याह करे तक, वही ससुराल भेजे तक और आगे वही जौन जरूरत पड़े, जैसे भाई हमारे गौतम जी बतावत रहे, ये कितनी बड़ी सोच की बात है कि पहले जब चूल्हा जलत रहा है फूके का पड़त रहा है पुकनी से, तब कितना तकलीफ आखन में होत रही, जौन पुरान हमार लोग हैं वो सब जानत है। हम बंचे तो ठीक है जब पैदा भए तो ये देखें कि हाँ भाई कुछ साल के बाद में ये बात भई कि भाई गैस आ गए, चूल्हा आ गया, पेट्रोमैक्स आ गया, लेकिन जौन हमार माता बहने हैं पुरान समय के वो जानत ही उनका कष्ट का होत रहा, वह कष्ट तक प्रधानमंत्री जी जानी उज्ज्वला योजना खोली,